याब दूदों का एक ऐसा अमल बता रहा हूं जिसे अगर एक काली मिर्च के दाने के ऊपर पड़ा जाए सिर्फ 21 मरतबा, और उस दाने को बताए गए तरीके के मुताबिक अमल मुकम्मल कर लिया जाए, तो ये मोहब्बत के ताकतवर तरीन अमलियात में से एक अमल बन जाता है। एक दिन का अमल है, इसे नियत करके ये किया जाता है कि मैं एक दिन का चिल्ला कर रहा हूं या कर रही हूं। इसे चिल्ला बना के करना है, तन्हाई में बैठ के करना है, किसी के सामने हरगिज नहीं करना, बता के हरगिज नहीं करना, और फायदा हो तो इसके बारे में जिक्र किसी से नहीं करना। किसी को आगे दिया जा सकता है, लेकिन अपना तमाम वाकया या सूरतयाल बता के दिया जाए तो फिर फायदा नहीं होता, वैसे जिसको मर्जी आगे दे सकते हैं। इस अमल के बाद जब आप करते हैं तो दूसरे इंसान से जो चाहें वो करवाया जा सकता है, मोहब्बत बढ़ाई जा सकती है, कोई बात नहीं मान रहा वो बात मनवाई जा सकती है, अगर दूर है तो पास बुलाया जा सकता है। अमल बहुत खास है, लेकिन इसमें जैसे मैंने बता दिया कि नीयत ये की जाती है कि जैसे मैं चिल्ला करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, फिर असल इसका फ़ायदा ज़ाहिर होता है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको इस चैनल के मुजरब तवीज़ात वज़ायफ़ मिलते रहें, और अपना मसला ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें ताकि जो भी मसला हो उसके बारे में अमल बताया जा सके। अमल जब शुरू किया जाता है, काली मिर्च को जब अमल 21 मरतबा पढ़ लिया जाता है या बदूदो, तो इसे आग में जलाना लाजमी होता है। जैसे मैंने बताया कि इसे तन्हाई में बैठ के किया जाता है, किसी के सामने नहीं किया जाता, अगर सामने किया जाए तो फ़ायदा नहीं होगा, चिल्ला बना के किया जाता है, और एक दिन का चिल्ला जब कह के आप करते हैं जिस मकसद के लिए करते हैं, इंसान हजारों मील दूर हो तो फिर भी एक काली मिर्च के दाने की ताकत से और इस वजीफे की बरकत से इंसान आपके पास हाजिर होता है और जो हुक्म दिया जाए वो करता है अल्लाह के फजल से। तो इसको यकीन से एक दफ़ा लाजमी करना है। आग जिसमें इसे जलाया जाता है, चूल्हे पे भी जलाया जा सकता है, मोमबत्ती पे, दिए पे, माचिस से जलाना ज़रा काली मिर्च को मुश्किल हो सकता है, इसलिए जलती आग में भी इसे फेंका जा सकता है। जैसे सर्दियाँ हैं आजकल, तो जलते हुए कोयलों में भी इसे जलाया जा सकता है, लेकिन किसी के सामने फेंकना, अगर ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर इसे जलाना मुनासिब नहीं होता, फिर इसकी ताकतें वो असर नहीं कर पाती अगर एक दफा कोई देख ले। इसमें या वदूदों का जो मोहब्बत के वज़ायफ़ में एक बादशाह अमल है उसका जिक्र किया जाता है या वदूदों के जरिए, और अल्लाह से मदद मांगी जाती है। जब या वदूदों कह के काली मिर्च को अपने हाथ पे या सामने रख लिया जाता है, 21 मरतबा पढ़ा जाता है, अपनी हाजत जो भी हो याद की जाती है, और इस एक काली मिर्च के दाने को आग में जला दिया जाता है, तो ये ऐसा अमल है जो उसी वक्त असर करता है। इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अगले दिन दोबारा अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ऐसा अमल भी नहीं है जिसकी बार बार ज़रूरत पड़े। जिस मकसद के लिए करेंगे अगर अल्लाह के फजल से उसमें कामयाबी मिलती है तो दोबारा इस अमल को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर फ़ायदा हो जाए तो सामने नज़र आ जाता है कि इससे फ़ायदा हो गया, अगर फ़ायदा नज़र ना आए, वैसे चांस बहुत कम होते हैं कि ना आए, तो फिर इस अमल से फ़ायदा नहीं होगा चाहे 10 दफ़ा करेंगे। तो अल्लाह के फजल से फ़ायदा होगा, यकीन से करें, यकीन से करेंगे तो अल्लाह की ज़ात, जो लोग अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं अल्लाह की ज़ात कभी उस इंसान को खाली नहीं लुटाती। तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर रख के अमल करेंगे, उस ज़ात से मदद मांगेंगे तो अल्लाह मदद करेगा।